प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने सहित आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष कुमार शर्मा ने की जिला निर्वाचन अधिकारी से विशेष बातचीत। प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है और जयपुर ज़िले में भी जो है आचार संहिता के पालन को लेकर के विभिन्न तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ हैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित साहब। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो है तैयारियां चल रही हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए। जी, प्रदेश में जयपुर ज़िले में 9 तारीख से जब से आचार संहिता लगी है, तब से आचार संहिता के पालन के लिए विभिन्न उड़न दस्ते, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और नगरीय निकायों की टीमें लगातार काम कर रही हैं। एक सिंपल सा मोबाइल ऐप है, सी विजिल ऐप। कोई भी नागरिक मतदाता सी विजिल ऐप डाउनलोड करे और उससे उनको अगर कोई उल्लंघन दिख रहा है कहीं भी आचार संहिता का, तो उससे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो लगातार उससे लोग डाउनलोड करके कंप्लेंट्स आ भी रही हैं और हमारी टीमें लगातार 24 घंटे अलर्ट हैं। अलग अलग पारियों में दिन रात टीमें काम कर रही हैं और हर विधानसभा में हमने तीन तीन टीमें, तीन तीन पारियों में टोटल 171 टीमें जयपुर में अभी काम कर रही हैं। और जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका 100 मिनट में निस्तारण, ये हमारा उसमें लक्ष्य है और 100 मिनट के अंदर अंदर हम उसका निस्तारण कर रहे हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप के मार्फत सबको जागरूकता दी जा रही है। उस ऐप में हर चीज़, चाहे अपने वोटर लिस्ट के बारे में, अपना पोलिंग स्टेशन के बारे में, अपना ईपिक कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर पोलिंग की दिन की जानकारी लेनी हो, कहाँ पोलिंग स्टेशन है, ये सारी जानकारी उससे ऐप से मिल सकती है। और विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मॉडल पोलिंग स्टेशन का भी युवाओं में जागरूकता के लिए प्रदर्शन किया जा रहे हैं। और सभी माध्यमों से, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, रैली हो, स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं, सभी माध्यमों से जो नव मतदाता हैं वो वोट देने पहुँचे हैं, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी तक 40,000 से ऊपर जितने भी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जयपुर से ये हटा दिए गए हैं, सार्वजनिक स्थलों से, सरकारी कार्यालयों से। और फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें लगातार काम कर रही हैं, कोई भी शिकायत आ जाए तो तुरंत उस पर 100 मिनट में एक्शन लेने का भी प्रावधान है। और लगातार चेकिंग और फ्रिस्किंग भी चल रही है कि कोई भी अवैध मटेरियल वो लेके ना जाए, चाहे अवैध शराब हो, नकद हो, इस तरह से सभी टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय होकर काम कर रही हैं। तो ये हैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित जी, जिनका ये कहना है कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। कोई भी आम मतदाता या आम व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार रखता है वो सी विजिल ऐप के जरिए भी जो है कंप्लेन दर्ज करा सकता है और 100 मिनट के अंदर उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसके साथ ही कई जगह से बैनर और होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस तरह देखा जा सकता है कि जिला निर्वाचन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है अधिकारी और कर्मचारी। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD News।